नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत सिंह के आदेशानुसार किसान संदेश अभियान के अंतर्गत मंगलवार को राष्ट्रीय लोक दल कार्यकर्ताओं ने अमरोहा में जिला अध्यक्ष मनवीर सिंह चिकारा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तेजपाल सिंह मंडल प्रभारी राष्ट्रीय लोक दल रहे। ये विशाल धरना प्रदर्शन प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक चला। इसके बाद 4 सूत्री ज्ञापन मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के नाम सौंपा गया। मुख्य अतिथि तेजपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश का किसान इस समय बहुत ही लाचार और बीबस है। गन्ने का सत्र 2022-23 खत्म होने को है। सरकार द्वारा अभी तक गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित नहीं किया गया है। वह दूसरी तरफ आवारा पशु किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इसका समाधान जल्द किया जाए। रिपोर्टर डॉक्टर प्रथम सिंह। मनवीर जी, क्या प्रोग्राम था आज यहाँ पर आपका? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के आदेशानुसार 28 दिसंबर से बराबर किसान संदेश अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश से लाखों किसान संदेश पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिए गए कि हमको गन्ना मूल्य घोषित करो, आवारा पशुओं से छुट्टा पशुओं से मुक्ति दिलाओ, और ब्रज क्षेत्र में आलू निर्यात केंद्र की स्थापना करो, और हमारा जो बकाया मूल्य है गन्ने का वो ब्याज सहित भुगतान करो। लाखों पत्र जाने के क्रम में अमरोहा जनपद से भी लगभग 20 से 25 हज़ार हमने डाकघरों में जाकर सारे राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारीगण और हम लोग सब वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्तागणों ने इकट्ठा होकर रेगुलर प्रत्येक तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवे दिन डाकघरों पर संदेश पत्र पोस्ट किए हैं, मगर कोई भी सरकार के कान पर जूं नहीं चली है। उसके बाद मजबूरन आज हमें धरना देना पड़ा है, और ये धरना इसीलिए दिया गया है कि आप शीघ्र गन्ने का मूल्य भुगतान करिए, ब्याज सहित करिए, गन्ना मूल्य घोषित करिए, आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाइए, ब्रज क्षेत्र में आलू निर्यात केंद्र की स्थापना करिए, और आलू का समर्थन मूल्य भी घोषित करिए। अगर आप नहीं करते हैं तो अब हमारी पार्टी कमिश्नरी पर 28 फरवरी को घेराव करेगी। उसके बाद विधान तब भी नहीं करते हैं तो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसी सिलसिले में हमारे बीच आदरणीय प्रभारी जी मॉनिटरिंग करने के लिए गाजियाबाद से चल के आए हैं। चौधरी तेजपाल सिंह जी आज यहाँ प्रभारी के रूप में आए हैं, और यहाँ लगभग 300-400 लोगों ने धरना दिया है। 11 से 2 तक हमारा धरना था। विधिवत टाइम के अंतर्गत हमने अपना जिला अधिकारी महोदय, क्योंकि मौजूद नहीं है, कहीं मीटिंग में चले गए हैं, तो डिप्टी कलेक्टर साहब को अपना ज्ञापन प्रेषित कर दिया है। कल यहाँ गन्ना मंत्री आए थे और उन्होंने बजट के दौरान भी बहुत सारी बातें कही कि किसानों की जो आय है उन्होंने दुगनी कर दी है। कोई आय दुगनी नहीं हुई। मेरा सवाल गन्ना राज्य मंत्री जी से ये है कि आप आय दुगनी बाद में करें हमारी, पहले हमारा गन्ना मूल्य का घोषणा करें, गन्ने का ब्याज सहित भुगतान करें, जो किसानों को सांड मार रहे हैं उससे मुक्ति दिलाएं। आय दोगुनी गन्ना राज्य मंत्री जी ने क्या कर दी? आय दुगनी तो किसानों की मोदी जी कर रहे हैं 8 साल से, योगी जी कर रहे हैं, वो उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है। मेरा नाम तेजपाल चौधरी है, मंडल प्रभारी मुरादाबाद। तेजपाल जी, आज यहाँ पर कैसे आना हुआ? ये हमारा धरना प्रदर्शन था यहाँ जी, गन्ना भुगतान के लिए जी, और गन्ना रेट्स के लिए जी, और एक आवारा पशुओं का, और ब्रज क्षेत्र के आलू की समस्याओं के लिए लेकर पूरे प्रदेश में आज हर जनपद पर राष्ट्रीय लोकदल का धरना प्रदर्शन है। माननीय जयंत चौधरी के दिशा निर्देश पर ये कार्यक्रम हमारा चला है। 1 महीना हो गया है, लगातार पत्र के मार्फत, पोस्टल वोट पत्र के मार्फत हमने जो है मुख्यमंत्री के नाम काफ़ी ज्ञापन दिए, लेकिन इस गुंगी भैरी सरकार ने कोई काम नहीं करा। हमारा मैन है, अगर ये रेट तो कम से कम जो किसान का रेट है गन्ने का वो तो निर्धारित करें। आज हमारा जो है 3रा चरण है धरने का, अगर इसके बाद भी नहीं माने 29 तारीख में हमारा सभी मुखा 28 में सभी मुख्यालयों पर जो है फिर है धरना प्रदर्शन, उसके बाद विधानसभा का घेराव करेंगे। हम इसको सरकार को आराम से बैठने नहीं देंगे जब तक गन्ने का मूल्य और किसान की समस्या का निदान नहीं हो जाता।